मतलब खटाई और चटपटापन नहीं आता ना। लगा रहे आप? मैं पांचवी पीढ़ी बैठा हूँ। पांचवी पीढ़ी, कितना टाइम हो गया? मतलब डेढ़ सौ साल हो गए। दो डेढ़ सौ साल हो गए गाइस, यहाँ पे ही लगाते हैं नींबू। ये देखिए यहाँ जी ग्रीन। वेलकम टू एमएम इंडिया गाइस। तो आज हम आ गए, देखिए आप चावड़ी बाजार के सीधा इधर पड़ते हैं भैया। ये चोटी वाले छोले कुलचे जो भैया से जानते हैं स्पेशल, हम बनवाते हैं स्पेशल छोले कुलचे। तो भैया कितने रुपए प्लेट है आपकी छोले कुलचे की? सर 30 रुपीज की प्लेट है। 30 रुपीज की प्लेट है। तीन कुलचे और छोले आते हैं। तीन कुलचे और छोले आते हैं। कितना टाइम से लगा रहे हैं आप? मैं पांचवी पीढ़ी बैठा हूँ। पांचवी पीढ़ी, कितना टाइम हो गया? मतलब दो डेढ़ सौ साल हो गए गाइस, यहाँ पे ही लगाते हैं चावड़ी के। ठीक है, पांचवी पीढ़ी मैं हूँ, चौथी पीढ़ी मेरे फादर है। चौथी पीढ़ी आपके फादर है और पांचवी पीढ़ी आप। तो गाइस ये देखिए, तो गाइस ये लग रहा है हमारा छोले का बस्ता, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर। गाइस एक सौ एक सौ डेढ़ सौ साल पुराने छोले हैं यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या भैया मसाले आपके स्पेशल? ये मसाला हम अपने घर के अंदर ही बनाते हैं। घर के अंदर ही हम मसाला बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मसाले। ठीक है ठीक है, कोई बाजारू नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे मसाला भी इनका खुद होता है, ऊपर से डाल दिया भैया ने नमक। तो यहाँ पे स्पेशल मसाला ये इमली का पानी। हाँ जी इमली का पानी, खटाई डाल दिया भैया ने इमली का पानी। अगर मटर छोले कुलचे के अंदर इमली का पानी नहीं लगा तो मटर कुलचे में कभी टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, मतलब खटाई और चटपटापन नहीं आता ना। बताए तो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन पे आप कहीं से ही बोलिए, फेमस छोले कुलचे वाले भैया हैं। ऊपर से भैया ने डाल दिया स्पेशल मसाला। और ये हमारा ये भी जीरे का मसाला, जीरा जीरा पाउडर, भुना जीरे का मसाला, भुना जीरे का मसाला, ये भुना जीरे का मसाला। ऊपर से ये डाल दिया भैया ने नींबू। ये देखिए भाई यहाँ पे आइए और ट्राई करिए। ऊपर से ये देखिए सजा दिए भैया ने खीरा पूरा सजा दिया। ये क्या भैया हरी मिर्च? हाँ जी ग्रीन मिर्च, ये ग्रीन चिली है भैया का, मिर्ची का अचार। और ये ऊपर से डाल दिए प्याज। तो भाई देखिए कितना क्रिएटिव तरीके से भैया ने छोले का कुलचा, छोले कुलचे का प्लेट लगा दिए और साथ में लगा दिए प्याज और चटपटे एकदम बिल्कुल से मसाले ऊपर से डाल के। और ये हमारी कर दिए भैया ने प्लेट तैयार। और इधर अब लगेंगे हमारे गर्मा गर्म कुलचे, इस करके बताइए कैसा है इसका स्वाद। ये हमारे हो गए छोले तैयार। तो भैया हमारे कुलचे भी लगा दीजिए। अच्छा, मक्खन वाले होते हैं? हाँ जी भाई, ये मक्खन वाले कुलचे लगा रहे हैं भैया। ये मक्खन इस पर भैया? हाँ जी भाई, ये मक्खन देखिए बिल्कुल भैया ने लगा दिया उस पर। एकदम ही बढ़िया क्वालिटी के छोले कुलचे होते हैं यहाँ पर, आपको एकदम बढ़िया सेक के देते हैं भैया। और यहाँ पे आप आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अल्टीमेट कुलचे, एकदम मुँह में पानी से आ जाएगा आपका। देखिए छोले इतने बढ़िया थे और साथ में हैं कुलचे, और इसको ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ कैसा इसका स्वाद। ये हो गए हमारे तैयार कुलचे, तो ये हमारी लकड़ी है प्लेट, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे छोले कुलचे लग चुके हैं। तो गाइस ये हमारे लग गए हैं कुलचे और भैया के एकदम बढ़िया से मज़ेदार मक्खन से देखिए लखपत है, गर्मा गर्म कुलचे और साथ में गर्मा गर्म छोले। छोले भी गाइस गर्म होते हैं यहाँ पर। तो ये मैं एक बाइट लेके आपको बताता हूँ। मसाले देखिए एकदम ऊपर से भी नहीं मसाले डाल रखे, नीचे भी एकदम, पहले मैंने इतना मसाला डाला, ऊपर से देखिए इतना मसाला डाल दिया। एकदम चटपटे से छोले जैसे कहते हैं यहाँ पर ही मिलेंगे आपको पुरानी दिल्ली में चावड़ी बाज़ार के पास, और यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करें। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, लाजवाब है, एकदम मक्खन वाले हैं, चटपटे हैं, मसाला बहुत अच्छा डला हुआ, करारे बने हैं। तो गाइस किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप भी आइए और ट्राई करिए। अब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, यहाँ पे आके ट्राई जरूर करें स्पेशल छोले कुलचे।